गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संदीप मिलियर, मैं टीचर फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरासल। टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 16 पैटर्न। पैटर्न मीन्स कि डेफिनेट एंड फिक्स सीक्वेंस और ऑर्डर। डेफिनेट मतलब निश्चित, कि एक ऐसा ऑर्डर जो फिक्स है या निश्चित है, उनके बीच का डिफरेंस सेम है, सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। मतलब जो भी अपन वर्क कर रहे हैं, जो भी अपन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसकी जो सीक्वेंस होगी वो फिक्स होगी। कि जैसे मैंने ये लिख दिया, देखो, वन लिख दिया, टू लिख दिया, थ्री लिख दिया, फोर लिख दिया, तो आगे क्या आएगा, देखो इनके बीच का जो मेरा सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो क्या फिक्स है, कि मैंने इसमें वन प्लस किया तो टू आ गया, टू में वन प्लस किया तो थ्री आ गया, थ्री में वन प्लस किया तो क्या आ गया, फोर आ गया। मीन्स क्या कर रहा हूँ मैं, सभी में वन वन प्लस कर रहा हूँ। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि सर ने वन वन प्लस किया है तो क्या आ जाएगा, यहाँ फाइव आ जाएगा। वन प्लस करेंगे, फाइव में वन करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। ऐसे देखो मैं ये लिख देता कि टू फोर सिक्स एट, अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितना प्लस हो रहा है, टू प्लस हो रहा है। कि यहाँ से यहाँ आए तो टू प्लस किया है, इसमें भी देखो टू प्लस किया है, इसमें भी टू प्लस किया है, तो एट में भी कितना प्लस करेंगे, टू प्लस करेंगे तो टेन हो जाएगा। मीन्स क्या है, सभी में टू टू ही आ रहा है। ऐसे नहीं है कि यहाँ टू कर दिया, यहाँ सिक्स कर दिया, यहाँ टू कर दिया, यहाँ नाइन कर दिया। तो इसका जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो क्या है, सेम है, फिक्स है। कि सभी में क्या होगा, सेम सीक्वेंस ही यूज होगी, सेम ऑर्डर ही यूज होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। ओके, अब देखो ये टू टाइप के होते हैं पैटर्न, एक तो न्यूमेरिकल टाइप के भी होते हैं, ज्योमेट्रिकल होते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या होता है, कि जिसमें अपन को डायग्राम दिए हुए हैं उसमें कैसे यूज करेंगे। देखो डायग्राम में क्या होगा, कि आपको ऐसी कोई रे दी हुई है, फर्स्ट में वन रे दे दी, सेकंड में देखो टू रे दे दी, फिर थ्री रे हो गई। अब पूछे नेक्स्ट पैटर्न में क्या आएगा, देखो पहले वन ही थी, फिर टू हो गई, फिर थ्री हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी, यहाँ फोर हो जाएगी। कि वन वन क्या कर रहा है, बढ़ाई तो रहा है, तो अब फोर हो जाएगी। और नेक्स्ट में कितनी हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। ऐसे ही आपको ये मान लो कि पहले सर्किल दिया हुआ है, फिर स्क्वायर दिया हुआ है, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्किल, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल। पूछेगा आगे क्या आएगा, अब तो देखो आगे क्या हो रहा है, कि सर्किल स्क्वायर रेक्टेंगल, सर्किल स्क्वायर रेक्टेंगल, तो क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और रेक्टेंगल आ जाएगा। कि जैसे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो रिपीट हो रही है, वैसे की वैसी अपन रिपीट कर देंगे उसको। ठीक है, तो अब अपन देखो एक्सरसाइज करते हैं, और मैं इसकी आपको एक वो भेजूंगा वर्कशीट, उसको भी फिल करना आप, क्योंकि चैप्टर सबसे अच्छा है, और वैसे रीजनिंग का चैप्टर भी है, आपको आना ज़रूरी भी है। देखो 16.1 है, पेज नंबर 165 के ऊपर, तो उसके अंदर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 12, 17, 22 और 27। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट कर रहे हैं, देखो 12, 17, 22 और 27। आगे आपको ऐसी लाइन दी हुई है, चेक करो कि इसमें कितना ऐड किया है। देखो 12 में 5 ऐड किया तो 17 आ गया, इसमें 5 किया तो 22, सभी में क्या है, 5 ऐड करना है, तो 27 में भी अपन क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 32, इसमें 5 क्या, 37। तो ऐसे अपन को पता चल गया कि कौन सी सीक्वेंस है कि 5 ऐड करना है। ऐसी सेकंड है 95, 88, 81, 74, तो उसमें क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है 77, तो अभी भी अपन भी आगे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ऐसे आपको सीमें करना है, 11 की टेबल है, 11, 22, 33, 44, तो आगे 55, 67 आ जाएगा, और ऐसे डी का करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो अपन को क्या लिखा हुआ है, कि कुछ बॉक्स बनाए हुए हैं, बॉक्स देखो ऐसे ही बनाए हुए हैं, इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि फर्स्ट है उसमें 7 और यहाँ 14, 7 2 14, 9 2 18, 11 2 22, तो यहाँ लिखा 6 2 कितना होगा, तो देखो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कि सभी में नीचे वाले की टेबल को 2-2 टाइम वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसका मोस्ट है और ये लास्ट में है, तो थर्ड में देखो कैसे करते हैं।
थर्ड में आपको एक पैटर्न दिया हुआ है कि ऐसे बॉक्स में लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 4, 5, 7। उसके बाद में देखो यहाँ 2 कॉलम है, यहाँ 1 कॉलम है और यहाँ लिखा है 9। अब देखो इस 4 को और 5 को अपन प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है, मींस क्या कर रहा है इसमें, प्लस कर रहा हूँ। तो 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 को 9 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 9, 10, 12 और उसके ऊपर जो बॉक्स है यहाँ लिखा हुआ है 22। इसमें भी देखो 10 और 12 को प्लस करेंगे तब 22 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ जाएगा, 41। और इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप कर लेना कि 8, 1, 9 और एक कॉल। अब इन दोनों को प्लस करने पर यहाँ क्या आएगा, वो यहाँ लिखना 9 आ जाएगा, इन दोनों को करने पर 10 आ जाएगा और 10, 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 तक गई आप कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 तक मैं फिर करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये 3 तक करके आप वर्क सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।